चंडीगढ़ के सेक्टर 53 की फर्नीचर मार्केट में जो 29 स्ट्रक्चर जो है वो ढहाए गए हैं, जिन लोगों के स्ट्रक्चर तोड़े गए हैं उनका इल्जाम है कि हमारे साथ भेदभाव किया गया, यही बात है जी। 29 में तो हम सिर्फ 8 बंदे आए, अभी बाकी तो आए नहीं है जी कोई भी, उसमें सब जो है हमें पता है अभी बगैर उसके नोटिस किसके लगे हुए हैं जी। ठीक है जी, तो हमारी ये क्यों कार्रवाई की जा रही है 4 बंदों की? शासन की तरफ से जो मीटिंग हुई थी, जो रिप्लाई किया गया उसमें मार्केट वाले ने बोले कि हम आगे बढ़ रहे हैं, आप लोग हमारे पाचे रहो, हमारा कुछ होगा तब आप लोग का कुछ होगा। लेकिन मार्केट वाले ने मिल करके हमारी 8 दुकान, 10-11 दुकान था, वही केवल 8 बंदों का ही नुकसान हुआ। किसी का 200 फुट है तो किसी का 1000 फुट है, और किसी के जब छत नहीं है कुछ नहीं है ऐसे हटा दिया। लीगल मार्केट है वो नहीं तोड़े, हमारी लोगों गरीबों का ही तोड़े हैं, खाली गरीब मार हो रही सर, गरीब मार। सर जी यही हम कहने चाहते हैं कि मतलब कि जब मार्केट वाला बोले थे कि हम आगे हैं, आप लोग चुप कर रहिए, जब हमारा मार्केट रहेगा तो आपके भी रहेगा, जाएगा तो सारी के जाएगा, ना तो किसी के नहीं जाएगा। सर ये जो सारी जो हुआ है आप लोगों, हाँ जी हाँ जी, ये पुराना वाला के साथ गलत हो रहा है। अगर जो 12 भाई 12 के कमरा है तो उनको 12 भाई 12 के कमरा होना चाहिए, जो डुप्लीकेट दुकान है हमारे साथ जा रहा तो उनका भी जाना चाहिए, उनको भी जाना चाहिए, नहीं तो हमारा को भी जगह चाहिए बैठने के लिए। ठीक है, हम मानते हैं उनके लिए, हमारा बच्चे का पढ़ाई लिखाई सारा लाइफ खराब हो जाएगा। हम बीच में स्टे है 10x20 की दुकान की, 2 दुकानें साइड पे करके बैठे आराम से, उसके लिए स्टिकर लगा हुआ हमारे, हमारे बच्चे इसी से जी रहा सर। हम लेडीज हो करके अपना 4 बच्चे का पढ़ाई करवाते हैं, अपना 4 बच्चे का सहारा दिया, हमारा 10 बच्चे हमारा सहारा से जी रहा सर। और कौन लोग हैं, और कौन कौन है आप में से? आप भी हो, 3-4 बंदे यहाँ पे, हमारी 3-4 बंदे, 6-7 साल हो गए यहाँ पे काम करते हुए। बेरोजगार है सर, क्या करे? देखिए दुकान खोले थे, सरकार नौकरी अगर निकालती है उसके बाद भी पेपर लीक हो जाता है जी। अब बंदा क्या करेगा जी, युवा क्या करेगा? आत्मनिर्भर बोलते हैं मोदी जी, आत्मनिर्भर हो, ठीक है जी। बंदा यहाँ दुकान खोलता है सरकार की नीति। सर हम 2014 में आए हैं, उस टाइम में कोई फर्नीचर नहीं था कि एक लेडीज हम यहाँ पर आकर के 4 फर्नीचर रख करके हमारे लाइफ में आज 10 वर्ल्ड वाला फर्नीचर हुआ है। उस टाइम में मैं अकेले 2014 में आई थी सर। आप मार्केट में एक एक पता लगा सकते हैं कि मैं 2014 में आई हूँ, 2024 है कि 25 है। बस सर हम पढ़े लिखे नहीं है, लेकिन अपना बल पे अपना पहुँचे पे 4 बच्चे का पढ़ाना लिखाना खर्चा पानी हम इसी से करते हैं सर। तो कई जो ऐसे लोग हैं जिनके स्ट्रक्चर तोड़े गए हैं, इनका इल्जाम है कि भेदभाव किया गया है। जो 116 शेड जो है वो उनको छोड़कर हमारे शेड को तोड़ा गया है। चंडीगढ़ के सेक्टर 53 की फर्नीचर मार्केट में हालांकि आज 29 स्ट्रक्चर जो है वो तोड़े गए हैं, जिसको लेकर लोगों में जरूर रोष देखने को मिल रहा है। लेकिन प्रशासन का कहना है कि जिनसे रिप्लाई मांगा था उनको फिलहाल नहीं छेड़ा गया है, लेकिन जो टेम्परेरी शेड थे, जो इल्लीगल थे पूरी तरह से, उनको जो स्ट्रक्चर है वो रिमूव कर दिया गया है। तस्वीरें आप देख सकते हैं, जितने भी करीब 29 स्ट्रक्चर थे, 29 स्ट्रक्चर को तोड़ दिया गया है प्रशासन की तरफ से, और पूरा पुलिस और प्रशासन की टीम यहां पर रही और सुबह ये ड्राइव शुरू की गई थी, और जिसको पूरी फेंसिंग जो है वो की जा रही है। चंडीगढ़ से कैमरामैन सनप्रीत सिंह के साथ मनोज राठी, न्यूज 18 पंजाब।